हमारी सम्माननीय नेता सोनिया जी, जब हम लोग हाउस खत्म हो गया, हम लोग निकल रहे थे, उस समय वहाँ से कुछ ऐसी बातें आई कि वो अपना घूर के देखती है, क्योंकि महिलाएं थी, इसलिए वो मैडम कुछ अपने शांतिपूर्वक बात करना चाहती थी। तो उसी समय हम लोग भी पीछे से गए, तो स्मृति ईरानी जी तुरंत आ गई और उनको अंगी दिखा दिखा के ऐसे शब्द कहे गए, तो सम्मान में गलत कहे गए, उनका अनादर किया गया। शर्मनाक चीज है कि जनप्रतिनिधि हमारी वो नेता है और उम्र में बड़ी है, ये खुद प्रधानमंत्री की पत्नी है, सम्मान के योग्य है, उनके साथ किस तरीके से बर्ताव करना हम लोग को बहुत खेद लग रहा है, दुख लग रहा है। एक महिला होने के नाते एक महिला की है, कैसे ये शर्मनाक चीज है। और वो भी तब जब हाउस कुछ भी करना, उसके अंदर इस तरह से करना, और हम उन लोग यदि हम लोग को नहीं करते, देश चिल्लाते नहीं, तो हम लोग वापस ही क्यों जाते, हम लोग तो अपने रास्ते निकल रहे थे। तो इस तरह से करना वो भी एक सम्मानजनक महिला के लिए, हमारे लिए तो वो आदरणीय है, हम बिल्कुल नहीं सह पाएंगे ये बात। इस तरह से हम बिल्कुल चाहेंगे कि बीजेपी को, प्रधानमंत्री जी को इसके लिए माफी मांगनी पड़े। आज सदन में जो घटना हुई, ये सदन के इतिहास में सबसे काला दिन है, क्योंकि सबसे वरिष्ठ और एक महिला सांसद के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि आदरणीय सोनिया गांधी जी बात करने गई, उसके साथ ही सारे बीजेपी के सांसद, महिला तो महिला, पुरुष सांसद भी मैडम के ऊपर चढ़ाई करने लगे, आप सब कहने लगे, उंगली दिखा दिखा कर कहने लगी स्मृति ईरानी कि ये बहुत बोल रही थी, सोनिया गांधी बहुत बोल रही थी, अब हमको बोले। इस तरह की भाषाओं का प्रयोग किया गया जो संसदीय भाषा में कहीं भी स्थान नहीं रखा, और ऐसे में हम लोग काफी दुखी हैं। जिस तरह से वहाँ बर्ताव हो रहा था, और मैडम को चोट लग सकती थी, सोनिया गांधी जी को चोट लग सकती थी, हम लोगों ने किसी तरह से मैडम को वहां से निकाला, और इस तरह की जो हरकत हुई है, मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ, और मैं ये मांग करती हूँ कि इसके लिए स्मृति ईरानी को और प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए सदन में। जैसे कि हमारे दो महिला सांसदों ने कहा कि स्मृति सोनिया गांधी जी पर आपत्तिजनक नारे लगाए, भाजपा ने सोचा कि इन नारों से आदरणीय सोनिया गांधी जी डर जाएगी, बौखला जाएंगी, वहां से चली जाएंगी, लेकिन एक निडर नेता होने के कारण सोनिया गांधी जी स्वयं उन महिलाओं सांसदों के पास गए और बातचीत बहुत शालीन तरीके से वो करना चाहती थी, लेकिन इनकी शालीनता के उत्तर में भाजपा सांसदों के द्वारा बहुत बुरा घिनौना एक व्यवहार किया गया, जिसमें हमने देखा कि दोनों महिला और पुरुष सांसद, पूर्व मंत्रीगण, उनको चारों तरफ से घेर कर ऐसा एक वातावरण बनाया कि उनको धक्का लग सकता था, उनको चोट पहुंच सकती थी। महिला सांसदों ने तो उन पर आपत्तिजनक बातें की और व्यवहार किया, पुरुष सांसदों ने भी उस प्रकार से आपत्तिजनक बातें और व्यवहार उनके साथ किया। यही दिखाता है कि जो पार्टी महिला के नाम पर, सभ्यता के नाम पर नारे लगाती है, आज उन्होंने अपने करतूतों से दिखा दिया कि वो किस प्रकार से एक भारतीय, एक महिला की निरादर उन्होंने किया, उनके सम्मान पर उनको चोट पहुंचाने की कोशिश की, नीचा फेंकने का कोशिश किया, लेकिन हमारी नेता निडर रही, शालीन रही, और उन पर एक उनके ऊपर कोई भी अगर भाजपा लगता है कि इस तरीके से छोटे व्यवहार से अगर पर सोनिया गांधी जी पर कुछ प्रभाव पड़ने वाला है तो वो उनकी भूल। देखिए, जहां पर बात राष्ट्रपति की आती है और जिस मुद्दे से आज बीजेपी आक्रोशित, उसको लेकर हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने माफी मांग चुके हैं, लेकिन आज माफी तो मांगे, लेकिन उस प्रकार का व्यवहार तो दिखाए जो हमसे अपेक्षा करते हैं। अगर वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम नेत्री और महिला और एक राष्ट्रपति का सम्मान करें, तो उस प्रकार का व्यवहार उन्होंने क्यों नहीं दिखाया? उन्होंने तो आज व्यवहार, अगर हम अगर अधीर रंजन चौधरी जी से तो कोई भूल हुई जिसका भूल उन्होंने स्वीकार किया, कबूल किया, उनके तरफ से जो व्यवहार आज हुआ सोनिया गांधी जी पर, महिला और पुरुष सबके सामने, कैमरा के सामने है, आपके कैमरा कितना दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे मुझे पता नहीं, और उनके व्यवहार से पता चल गया कि जो हमसे वो अपेक्षा करते हैं वो खुद ही वो दिखा नहीं पाते, दर्शा नहीं पाते। और जिस प्रकार से आज मैं कह सकता हूँ
बातों पे नहीं, आज शारीरिक रूप से आज चोट आज श्रीमती सोनिया गांधी जी को पहुंच सकती है।